नमस्कार, वक्त इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की सुबह जम्मू के लिए एक दुख भरी खबर लेकर आया है। एक अजीम शख्सियत, एक बेमिसाल व्यक्तित्व और जम्मू की बुलंद आवाज़ माने जाने वाले जम्मू के सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट बीएस सलाथिया अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने जम्मू और जम्मू वालों के लिए जो कुछ किया वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बार एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब। सर, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। बी एस सलाथिया साहब, जिस तरह के व्यक्तित्व उनका था, बार एसोसिएशन में जितनी उनकी धाक थी और वो खुद प्रेसिडेंट भी रहे हैं बार एसोसिएशन के, कितनी बड़ी क्षति जो है वो बार एसोसिएशन के लिए आपके निजी तौर पर आप इसे दें। देखिए, सलाथिया साहब अनडिस्प्यूटेड लीडर थे बार के। वो प्रेसिडेंट रहें या उस टाइम में भी जब वो प्रेसिडेंट नहीं भी थे, तब भी ये सब साफ था कि भारत की बार एसोसिएशन में अगर कोई एक लीडर है जिसकी सभी सुनते हैं तो वो सलाथिया साहब हैं। सलाथिया साहब 3 बार बार के प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले जो है वो बार की दूसरी पोजीशंस पे भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और सांबा बार से भी पहले वो इलेक्ट होके आए। जितने भी इलेक्शन सलाथिया साहब ने लड़े बार में, चाहे वो सांबा बार में हो, बाद में जम्मू बार में हो, वो सभी जीते। और सभी इलेक्शन जीतना जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि सलाथिया साहब की लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी सभी वकीलों के साथ अपने ताल्लुकात, उनकी पर्सनालिटी, ये सब ऐसी थी कि एक मिलके एक विनिंग कम्बिनेशन बनाते थे। और उस पीरियड में जब वो प्रेसिडेंट रहे तो उन्होंने बार को आगे से लीड किया, और ना सिर्फ बार के इश्यूज बल्कि पब्लिक के इश्यूज जो आते थे, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ फेल हो जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, वो कुछ पब्लिक के कंसर्निंग इश्यूज़ को नहीं उठा पाते, तो वहाँ पे सलाथिया साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बार को ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि बार एसोसिएशन जो है वो आगे बढ़ के लोगों के मुद्दों को उठाती थी और लोगों के मुद्दों को हल करवाती थी, सिर्फ वकीलों के नहीं, पूरी की पूरी। इसलिए सलाथिया साहब को सिर्फ ये कहना कि वो बार के लीडर थे, वो इंसाफ नहीं होगा उनके साथ। वो पूरे जम्मू के लीडर थे, जम्मू की आवाज़ थे, और जम्मू के अलावा कश्मीर में भी और लद्दाख में भी सलाथिया साहब के चाहने वाले, उनको अप्रिशिएट करने वाले काफ़ी लोग हैं। श्रीनगर बार में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी सैद्धांतिक जो है विचारधारा अलग है, लेकिन सलाथिया साहब के साथ रिलेशंस कश्मीर बार के भी ज़्यादातर जो एडवोकेट्स हैं उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे। हमारी सैद्धांतिक जो है उनके साथ लड़ाई हो सकती है, लेकिन पर्सनल रिलेशंस जो है उसको कभी भी सलाथिया साहब ने जो है कमज़ोर नहीं होने दिया। जो क्षति पहुंची है बार एसोसिएशन जम्मू को, या कहें जम्मू खित्ते को, तो वो शायद मुझे लगता है कि कभी भरी नहीं जाएगी। एक बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं रही, जम्मू की आवाज़ बने रहे पिछले तकरीबन 2-3 दशक से, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सलाथिया साहब के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करती थी, और जो इश्यूज जनता के होते थे उसमें पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि सलाथिया साहब ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जनता के जो इश्यूज हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस के साथ वो आगे बढ़े, वैसा नहीं है। सलाथिया साहब ने जब जनता की इश्यूज़ की बात आई तो तब उन्होंने उसमें कोई प्रेज़ नहीं था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो साथ में जुड़ती है। सभी को साथ में जोड़ के और जनता के इश्यूज़ के लिए लड़ाई लड़नी जो है, ये सलाथिया साहब की पहचान बन गई। अमरनाथ मूवमेंट एक हाई पॉइंट था सलाथिया साहब के पॉलिटिकल करियर में। बार के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे और कांग्रेस के साथ वाबस्ता थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी थे उस टाइम पे, लेकिन जनता के साथ खड़े होना उन्होंने चुना और अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी। उसकी वजह से उनको अपनी एडिशनल एडवोकेट जनरल की जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन करना पड़ा। कांग्रेस में उनके अपने रिलेशंस जो हैं अपने लीडर्स के साथ ख़राब हो गए। कांग्रेस में लोग उनका मजाक उड़ाते रहे कि आप एंटी कांग्रेस फोर्सेस के साथ मिल गए,
लेकिन उनकी अपनी विचारधारा ये थी कि लोगों के साथ खड़ा रहना ही पॉलिटिक्स है, लोगों के खिलाफ खड़ा होना पॉलिटिक्स नहीं है। अगर चाहते तो अपने ذاتی مفاد के लिए, अपने ذاتی बेनिफिट के लिए वो जनता की आवाज़ से मुंह फेर भी सकते थे, लेकिन अपनी ذاتی प्रोग्रेस को उन्होंने कभी भी अहमियत नहीं दी। सबका भला हो इसी के बारे में सोचा, खासकर बार एसोसिएशन में जो उन्होंने काम किया है, वैसा मुझे लगता है कि मेरी यादाश्त के मुताबिक, मैं भी तकरीबन 30-35 साल से बार के साथ जुड़ा हूँ, और कोई शख्सियत कोई ऐसी हो कि जिसने इतना काम बार एसोसिएशन के लिए किया हो, जनता के लिए किया हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शख्स जो है वो मेरी नज़र में आता है। सीनियर डेजिग्नेट थे, एडवोकेट थे, जम्मू में प्रैक्टिस करते थे, कश्मीर में भी जाते थे, दिल्ली में भी जाते थे, काफ़ी जगह पे जाते थे, और जहाँ पे भी वो एज एडवोकेट जाते रहे कोर्ट्स में, उनकी बड़ी इज्जत रही और कोर्ट में उनको बड़ा सीरियसली सुना जाता था। हाई कोर्ट में सलातिया साहब जब बहस करते थे तो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो उनको सुनने के लिए जो है वो कोर्ट में रहते थे, ये सच बात है। और उनसे ना सिर्फ जूनियर्स ने उनसे सीखा या फ्रेशर्स उनसे सीखते थे, हम लोग भी या हमसे भी जो सीनियर हैं वो भी सलातिया साहब से सीखते रहे। दोस्ती में सलातिया साहब का मुकाबला नहीं था, दोस्त के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते थे। और एक लीडर की जो क्वालिटी होती है कि उसको कनेक्ट करना चाहिए जनता के साथ, उसकी भी एग्जांपल सलातिया साहब ने सेट की अपनी ज़िंदगी में। किसी की कोई ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत में वो खड़े रहे, कोई गम हो किसी को, कोई तकलीफ़ हो, तो सलातिया साहब जो है वो जम्मू से उठ के रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ, कहीं बनी, कोई ऐसी जगह मुझे नहीं लगता है कि छोड़ी हो उन्होंने। कभी किसी के घर में खुशी हो तब भी सलातिया साहब वहाँ पर पहुँचते थे, दुख तकलीफ़ हो तब भी वहाँ पर पहुँचते थे। कुल मिला के एक कलरफुल पर्सनैलिटी बार की, आज हमारे बीच में नहीं है। बार की लीडरशिप की अगर हम बात करें तो शायद बार की लीडरशिप की शक्ल आज के बाद वैसी नहीं रहेगी जैसे आज तक थी सलातिया साहब के होते हुए। वो एक बड़ी पर्सनैलिटी जिसके आसपास जो है बार की सियासत जो है वो घूमती रही 2-3 दशक से, जब वो बीच में से निकल जाए तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उस वैक्यूम को फिल करने के लिए फ़िलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आता कि जो सलातिया साहब की जगह के 10-20% भी वहाँ पे पहुँच सके। इस तरह की पर्सनालिटीज़ जो हैं ये सदियों के बाद बनती हैं और इसके लिए अथक मेहनत है। सलातिया साहब ने जो 40-45 साल मेहनत की वकालत के तौर के ऊपर और अपनी सियासी ज़िंदगी में, ये उसका नतीजा था कि निखर के जो है वो कसौटी से सोना जो है वो खरा सोना निकल के बाहर आया। अब उस तरह की कसौटी से निकलने की मुझे लगता है कि लोगों के पास टाइम भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, इसलिए जो नई सियासी पौध जो तैयार हो रही है वो वैसी नहीं होगी, उसमें वो सीरियसनेस, वो डेडिकेशन, वो ऑनेस्टी जो है वो दिखती नहीं है आने वाली। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारे बीच में जो है वो सलातिया साहब की ज़िंदगी से सबक लेके सलातिया साहब की तरह जो है वो आगे बढ़े, और उससे न सिर्फ बार का बल्कि जम्मू का भी भला होगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे सलातिया साहब में दिखती है, उन्होंने जम्मू की पहचान को बनाने की कोशिश की। देखिए, जम्मू की पहचान जो कहीं आके रुक गई थी पिछले काफ़ी दशकों से, लगातार जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वगैरह बनती रही जिसमें कश्मीर का दबदबा रहा, जम्मू की आवाज़ हमेशा से दबती रही, यहाँ की जो पर्सनैलिटीज़, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ थी उनको नीचे दबाया गया, उनको सामने नहीं लाने दिया गया। डोगरी कल्चर, डोगरी लैंग्वेज की अगर आप बात करें, डोगरी फोक की बात करें, तो उसको कहीं दबा के रखा हुआ है। आज हम देखते हैं जम्मू में अगर आप देखेंगे तो हमारे ऊपर पंजाबी कल्चर जो है वो हावी हो रहा है, कश्मीर वालों ने अपना कल्चर फिर भी बचा के रखा है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी अगर आप देखते हैं तो वो एक टीस जो सलातिया साहब के दिल में थी कि डोगरी कल्चर जो है उसको रिवाइव करना चाहिए, डोगरा आइडेंटिटी को रिवाइव करना चाहिए, वो साफ दिखती है, और उसके लिए वो प्रयासरत थे।
चाहे उसके लिए उन्होंने पर्सनालिटीज़ की अगर आप बात करें तो महाराजा हरि सिंह की फ़ोटो जो है वो बार एसोसिएशन में लगानी, उस तरह की काम करने की जो डोगरा जो शख्सियतें हैं, जो बड़ी शख्सियतें हमारी हिस्टोरिकल हुई, उनको लाइमलाइट में लाया जाए, डोगरा कल्चर की बात की जाए, डोगरी लैंग्वेज की बात की जाए। सलाथिया साहब को सुनेंगे तो मोस्टली वो जो डोगरी में ही अपने लेक्चर वगैरह जो देते थे, एड्रेस करते थे। तो इस सोच ये थी कि जम्मू को मजबूत करें, डोगरी को मजबूत करें और डोगरा कल्चर को मजबूत करें। ये इतनी बड़ी सोच रखने वाली शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से सबक सीख के अगर हम उनकी बताए हुए रास्ते पे अगर कुछ कदम भी चलें तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ भी इंसाफ होगा और हमारे अपने साथ भी इंसाफ होगा, आने वाली जनरेशन्स के साथ भी। हम एक बेहतर जम्मू जो है उनके लिए छोड़ के जाएंगे। सलाथिया साहब ने पूरा अपना जीवन जो है जम्मू के लोगों के लिए पूरा कुर्बान कर दिया, और कभी भी कोई इस तरह से आवाज़ जब उठती थी जिसमें लगता था कि जम्मू को दबाया जा रहा है, चाहे वो अमरनाथ लैंड रो का आपने जिक्र किया, अभी एम्स का जो मुद्दा जो उभरा था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग लिया, और ना केवल खुद पूरी बार को भी उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया और एक अथक प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से किया। इस तरह की जो उनके कार्यप्रणाली थी, कुछ और चीज़ें जो आप हमें बता सकें जिसमें उनका अहम योगदान रहा हो जम्मू के? देखिए, सलाथिया साहब की एक बात तो जो है वो बड़ी अप्रिशिएट करने वाली है कि बार की लीडरशिप, बार की प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी हो, लेकिन अगर मुद्दा जनता के साथ जुड़ा है तो सलाथिया साहब का अपना मतभेद हो सकता है उस शख्सियत के साथ जो बार का प्रेसिडेंट होगा या लीडर होंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पर्सनल कन्फ्लिक्ट को जो है वो पब्लिक काज के आगे नहीं आने दिया। एम्स के इशू के ऊपर, एम्स के टाइम पे प्रेसिडेंट हमारे और थे, अभिनव शर्मा साहब थे, अभिनव शर्मा साहब के साथ सलाथिया साहब की सैद्धांतिक जो है वो विचारधारा कभी मिलती नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जब बात एम्स की आई तो सलाथिया साहब सबसे आगे थे। प्रेसिडेंट जितना बार एसोसिएशन का काम कर रहा था उतना ही काम जो है वो सलाथिया साहब कर रहे थे, और उनकी जो छटपटाहट थी कि एम्स जम्मू को क्यों नहीं आ रहा, वो बिल्कुल साफ दिखती थी। जिस सीरियसनेस के साथ सलाथिया साहब ने एम्स की मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो खाली एम्स के टाइम पे नहीं है। लायर्स चैम्बर जब बनाने की बात आई, मैं प्रेसिडेंट था लेकिन सलाथिया साहब हमारे साथ सबसे आगे चल रहे थे। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई, सलाथिया साहब सबसे आगे चलते थे। इसी तरह वीमेंस बिल की बात पे सलाथिया साहब सबसे आगे चलते रहे। अभी कैट के इशू के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू में नहीं बना और ये कहा गया कि आप चंडीगढ़ में जाएंगे केसेस करने के लिए, तो सलाथिया साहब सबसे आगे मजबूत आवाज़ें जो उठाने वाले लोग थे उनमें एक सलाथिया साहब भी थे, और आज उनकी मेहनत का नतीजा था कि कैट जो है वो जम्मू में बनी और लोग जो है वो जो सरकारी मुलाजम हैं और एडवोकेट्स हैं उनको इंसाफ मिला कि यहाँ पर जो है वो ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं। तो उनकी एक खास बात थी कि अपनी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर मुद्दा जो है वो पब्लिक का है, जिसे लोगों का भला होने वाला है, तो अपने सैद्धांतिक मतभेद जो है उसको छोड़ दीजिए और जनता के लिए काम करिए। ये सोच बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसे आदमी, कम से कम सियासी ज़िंदगी में ऐसे आदमी बड़े कम आपको देखने को मिलेंगे जो अपने सैद्धांतिक मतभेद को बुला के जनता के भले के लिए अपने अपोजिट ग्रुप्स के साथ, अपने अपोजिशंस के साथ मिलके काम करते हैं। मैं वही पूछना चाहता था कि कांग्रेस के साथ वो लंबे अरसे से जुड़े रहे, गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी वो माने जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद जब जब जम्मू का कोई मुद्दा इस तरह सामने आया तो उन्होंने कांग्रेस का जो एक पार्टी लाइन थी उसको पीछे छोड़कर भी जो बढ़ चढ़कर जम्मू के हित के लिए काम किया। देखिए, बिल्कुल, अब अगर अमरनाथ यात्रा को, अमरनाथ रो वाली बात ही आप देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की तो गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, सलाथिया साहब बार के प्रेसिडेंट थे। सलाथिया साहब बार प्रेसिडेंट होने के नाते पे गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। अब वैचारिक बात है कि जनता चाहती है कि अमरनाथ रो के ऊपर जो है वो एक फैसला होना चाहिए जिसमें कि जगह जो है वो अमरनाथ बोर्ड को मिले, सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन अब सलाथिया साहब के पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। उन्हीं के दोस्त की गवर्नमेंट है, बड़े दोस्ती वाले रिलेशन थे उनके आज़ाद साहब के साथ, उन्हीं की दोस्त की गवर्नमेंट है, उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है, या उसके साथ खड़े रहे या जनता के साथ, तो वो आदमी जनता के साथ खड़ा रहा। उस जनता के साथ खड़े होने की वजह से अपनी पोजीशन को भी ख़त्म किया
और मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि कांग्रेस में उनका मजाक बनाया जाता था। ये अमरनाथ रो के बाद कांग्रेस में सलाथिया साहब का मजाक बनाया जाता था कि आप तो बीजेपी के साथ मिल गए, आप संघ के साथ मिल गए, आपने अमरनाथ रो जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ ली। लेकिन कांग्रेस वाले कभी ये समझे नहीं कि सलाथिया साहब कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, ना उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो है वो कोई विश्वासघात किया। सलाथिया साहब की कमिटमेंट जनता के साथ थी, वो जनता के साथ ही रहना चाहते थे और जनता के साथ ही रहे। तो अपनी जात का नुकसान करवा के लोगों के भले के लिए मुद्दों के ऊपर कायम रहना, ये सलाथिया साहब की एक बड़ी शख्सियत की जो है वो हिस्सा था। सर, आपके बड़े घनिष्ठ उनके साथ संबंध रहे हैं, काफ़ी लंबा अरसा आपने एक ही प्रोफेशन में जो बिताया है, एक दूसरे के साथ बिताया है, क्या कुछ आपकी पर्सनल यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं? कुछ एक लास्ट मुलाकात कब हुई थी, क्या कुछ बातचीत आपकी हुई थी, और किस तरह से उनके व्यक्तित्व आपके जीवन पर भी जो है एक छाप छोड़ते? देखिए, अगर तो आप सियासत की बात करेंगे तो तकरीबन 30 साल से हम दोनों बार की सियासत के साथ जुड़े रहे। सलाथिया साहब से सियासत में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। अगर आप बार की सियासत की बात करेंगे, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला कि लोगों से कनेक्ट करने के बगैर सियासत नहीं होती है। मेरे साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे। सैद्धांतिक तौर के ऊपर हमारा मतभेद भी रहा। हम यू कांट से दैट वी वर फॉलिंग इन द सेम ग्रुप इन द बार, वी वर नॉट इन द सेम ग्रुप इन द बार, क्योंकि हमारी अपनी वैचारिक जो है वो मतभेद तो थे, लेकिन मेरी उनके साथ दोस्ती बड़ी घनिष्ठ थी। हमारी आपस में दोस्ती जो है वो बड़ी पक्की थी, और उसके चलते हुए कभी ज़्यादातर तो वही मेरे को समझाते थे, लेकिन कभी ये भी होता था कि हम भी किसी इशू के ऊपर जो है अपनी ओपिनियन देते थे। और कभी उनको ये नहीं लगा कि वो उनकी उम्र ज़्यादा है और मेरी उम्र कम है, तो मैं अगर कोई ओपिनियन दूँ तो वो सलाथिया साहब उसको दरकिनार कर दे, वैसा कभी नहीं हुआ। वो दोस्तों की ओपिनियंस की पूरी कदर करते थे, और वकील के तौर के ऊपर ही वॉज़ ए वेरी टफ ओपोनेंट, जो कि केसेस में तैयारी के साथ आते थे, और उनको पता था कि कोर्ट क्राफ्ट क्या होता है, जज के माइंड को पढ़ना और कोर्ट में उसी हिसाब से आर्गूमेंट करनी, और क्लाइंट के साथ उनकी कमिटमेंट जो है वो 100% थी। ऐसा आदमी जो एक कंप्लीट पैकेज था। आप दोस्ती की तरह देखिए, आप उसको सियासी लीडर की तरह देखिए, आप उसको वकील की तरह देखिए, आप उसको सोशल वर्कर की तरह देखिए, आप उसको सोशल थिंकर की तरह देखिए, आप उसको एक कमिटेड पर्सन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल कल्चर देखिए। तो इन सभी इशू के ऊपर जो है आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी जो है वो सलाथिया साहब दिखते थे। अभी रिसेंटली जो है ही वॉज मच कंसर्न कि जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी बन गई है, इसको वापस स्टेट कैसे बनाना है, और उसके ऊपर वो कार्यरत थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जैसी कमिटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है कि इसको वापस हमने स्टेट बनाना है जम्मू कश्मीर यूटी को, तो जब हम वापस स्टेट बनेंगे जम्मू कश्मीर यूटी से, तो सलाथिया साहब की कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में जो है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सलाथिया साहब की शख्सियत से वाकिफ़ रहें, और उनको एहसास रहे कि इस तरह की शख्सियत जो है वो बार एसोसिएशन के बीच में रही है, जिसने फ्रंट से लीड किया बार एसोसिएशन को और एक मजबूती की पोजीशन पर पहुँचाया है बार। तो लास्ट मुलाकात कब आपकी हुई और क्या कुछ बातचीत उस वक्त हुई थी जो आपको याद? देखिए, एक तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो उस डिबेट में मैं, सलाथिया साहब, दो साथी और थे, हमने उस पर पार्टिसिपेट किया था। सलाथिया साहब की सेहत तब ठीक थी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी, एंड ही वॉज़ वेरी वोसीफोरियस। कैट के इशू के ऊपर चर्चा थी, और बड़े अपने पॉइंट्स को उन्होंने बड़े गंभीरता से और सीरियसनेस के साथ लिया, और जहाँ पे राजनीतिक कटाक्ष करना होता था वहाँ पे भी सलाथिया साहब पीछे नहीं हटते थे। तो हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी में हैं, सलाथिया साहब की पॉलिटिकल विचारधारा जो है डिफरेंट है, इसलिए हमारा आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से वो चलता था, लेकिन स्वागत था उनका, उनका कटाक्ष भी हमारे को अच्छा लगता था। और उस वार्तालाप के दौरान, डिबेट के दौरान, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल में उस डिबेट के बाद
दूसरे या तीसरे दिन सलाधिया साहब को डिटेक्ट हुआ कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड ही वॉज टेकन टू चंडीगढ़। इलाज वगैरह चला, इलाज के दौरान मेरी सलाधिया साहब से बात हुई। अभी तीन दिन पहले फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, थोड़ा सा क्योंकि उनकी कीमियोथेरेपी हो चुकी थी तब तक, और वो थोड़ा आहिस्ता बात कर रहे थे। बट ही वॉज़ वेरी होपफुल और फाइटर थे, पूरी ज़िंदगी में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जीती थी। ये लास्ट लड़ाई शायद वो जीत नहीं पाए, फीबल आवाज़ में थे लेकिन हाई स्पिरिटेड थे। एंड व्हाट आई रिमेंबर वाज ही सेड कि मैं वापस आके मिलूँगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वाज माय एल्डर ब्रदर, लास्ट कमिटमेंट जो है वो अपनी पूरी नहीं कर पाए, और वापस आने का वादा था लेकिन जिस तरह से वो वापस आ रहे हैं इस तरह का वादा तो नहीं था। आज सुबह ही मैं तो टच में था, डॉक्टर्स के साथ भी टच में था, उनकी फैमिली बच्चे के साथ भी टच में था, तो कल रात से ही हमारे को जो है वो इंडिकेशन थी कि वो शायद मुश्किल ज़्यादा है, बिकॉज ही वॉज नॉट कॉन्शियस एंड वॉज नॉट इन वेरी गुड पोजिशन, ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ पेन्स ऑल्सो। तो सुबह 7:15 बजे के करीब जो है वो गॉट द मैसेज फ्रॉम हिज सन दैट ही इज़ नो मोर। वॉज ए शॉकिंग न्यूज़, एंड किसी दिन की शुरुआत इससे बुरी हो सकती है ऐसा मैं शायद सोच भी नहीं सकता हूँ। आपने एक अपना बहुत प्रिय मित्र जो है उसे खोया है, और वक्त इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह का व्यक्तित्व था बी एस सलाथिया साहब का। पूरी ज़िंदगी वो फाइटर की तरह जो है जम्मू के हित के लिए लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसी बीमारी से जंग हार गए, और आज सुबह चंडीगढ़ के पीजीआई में उन्होंने अपना आखिरी सांस जो ली है, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहेंगी, और उनकी जो क्षति जो पूरे जम्मू को पहुंची है शायद ही अब वो कभी भर पाएगी। आप देखते रहें वक्त इंडिया।